युद्ध अभ्यास 2020 में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। किसी ने कहा है भाई कि अगर आपको अपने एक काम में सक्सीड होना है तो सबसे पहले उसे ड्रीम करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, दूसरा बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, देन आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, देन आप सक्सेस होंगे। तो बिलीव, ड्रीम एंड हार्ड वर्क, देन यू विल सक्सीड। यही सीक्वेंस होता है भाई सक्सेस होने का। तो चलिए बढ़ते हैं योद्धा अभ्यास में आगे और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आता है भाई, या तो आपको स्ट्रक्चर देगा उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराएगा या आईयूपीएसी नेम देकर उसका स्ट्रक्चर पूछेगा। सेकंड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये डेफिनेशन लिगेंड की पूछी जा सकती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूछी जा सकती है, डेंटिसिटी की पूछी जा सकती है एंड एम्बिडेंट लिगेंड की पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉन्डिंग में फ्रेम होता है भाई, ठीक है, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स से फ्रेम होता है। आपको बॉन्डिंग समझाने के लिए 3 थ्योरीज दी गई थी, वर्नर्स थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ज़्यादातर चांसेस बनता है कि आपका क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया जाए भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म से फॉर्म होता है, आइसोमेरिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, आइसोमेरिज्म को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। 60-70% वालों के लिए रेड टिक लगा दिए गए हैं बाबा जी की तरफ से, इन्हें मिनिमम कर जाएं, इन्हें कर लिया तो 60-70% आपके आने वाले हैं भाई। बाबा जी 95% चाहिए, 95 चाहिए भाई। तो जो भी बाबा जी बोल रहे हैं, जो भी आपको दिया जा रहा है इन टॉपिक्स, सबको करके जाना है, तो आपसे 95 कोई नहीं छीन सकता है भाई। इन टॉपिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं भाई, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ भाई, डाउनलोड करो और सॉल्व कर लो और 95 की तरफ अपना एक और कदम बढ़ा दो भाई। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।